यदि बिल गेट्स अगर लगभग 6 करोड़ भी रुपए रोज खर्च करे तो भी अपनी पूरी संपत्ति को खर्च करने में इन्हें 218 साल लगेंगे। उनकी कुल संपत्ति $75 अरब है। बिल गेट्स हर सेकंड में करीब 12,054 रुपए कमाते हैं, यानी कि एक दिन में लगभग 102 करोड़ रुपए कमाते हैं। अपनी छोटी उम्र में ही बिल ने जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर के लिए अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था, जो टिक टैक टोए का ही एक वर्जन था, जिसमें आप कंप्यूटर के साथ ही गेम खेल सकते थे। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से इतना प्यार था कि वह पढ़ाई छोड़कर इसमें ही लगे रहते थे, जिसकी वजह से वह 11वीं में फेल हो गए थे। कहा जाता है कि बिल गेट्स अपनी हाई स्कूल क्लास में लड़कों से ज्यादा लड़कियां चाहते थे, इसके लिए उन्होंने स्कूल का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया था। बिल्कुल अन्य बड़े एंटरप्रेन्योर की तरह बिल गेट्स के पास भी कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है, क्योंकि साल 1975 में ही इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्यादा समय देने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। आप शायद नहीं जानते होंगे, पर साल 1977 में बिल गेट्स रेड लाइट जंप करने और बिना लाइसेंस के कार चलाने के जुर्म में गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल गेट्स साल 1977 तक फ्लाई कोच का काम करते थे और आज इनके पास खुद का एक प्लेन है, जिसे यह बिग स्प्लज के नाम से बुलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इतना अपार धन होने के बावजूद बिल गेट्स ने अपने बच्चों को अपनी वसीयत में सिर्फ $10 मिलियन देकर जाएंगे, जो इनकी अथाह दौलत अर्थात 810,100 मिलियन डॉलर का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और इसके बारे में पूछे जाने पर गेट्स सिर्फ इतना कहते हैं कि इतनी अधिक दौलत छोड़कर जाना मेरे बच्चों के लिए उचित नहीं है। बिल गेट्स ने अपनी 30 साल की उम्र में यह इच्छा व्यक्त की थी कि वह करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन यह बात अलग है कि सिर्फ एक साल के बाद ही वह अरबपति बन चुके थे। इनके के दिल में भार के लिए विशेष स्थान है। वह यहाँ गरीबों के पुनरुत्थान के लिए चलाए जा रहे फाउंडेशन के कार्यक्रम को देखने हर साल आते हैं। यूनाइटेड नेशन पूरे साल में जितना खर्च करता है, उससे अधिक सिर्फ गेट्स फाउंडेशन ही एक साल में खर्च करता है। लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।